A very good morning, dear students. So for today we are going to learn and read the next essay, and the title of the essay is My Hobby. Now when I was teaching you how to speak in English, at that time I talked with you that how you can describe your hobbies, especially in English. So you can use all those things in this essay. Now we are going to start it. My hobby. So the first paragraph is, the word hobby is taken from the phrase hobby horse. Jeda shabd hobby hai, eh ek phrase to liya hoya va, jo ke keda phrase hai hobby horse. A hobby horse is a wooden horse. Hobby horse ki hunda va raje, ek wooden horse. Wooden ki hunda va, lakkar da banaya hoya koda, made for children. Jeda ke bachyan layi banaya janda hai, as a toy for rocking. Jede upar children baith ke kiya. घोड़सवारी का आनंद ले सकते हैं. देयरफोर इस तरह हॉबी मीनस अ परस्यूट अंडरटेकन फॉर प्रेसर. इस तरह हॉबी का मतलब की होया कि एक अजिहा काम जिहड़ा आपां आपदी खुशी दे लई करदे हां. इट इज़ अ फेवरेट पास टाइम. इस तो इलावा टाइम नू पास करन दे लई ए सब तो वधिया चीज़ है. इट्स एम इज़ नॉट टू अर्न मनी द इट मे समटाइम्स ब्रिंग मनी इनडायरैक्टली. इहदा जिहड़ा मकसद हुंदा वा हॉबी दा, वो कदे भी मनी नू अर्न करना नहीं हुंदा, पर कहिंदे फिर भी कई बार इनडायरैक्टली आपां हॉबी दे जरिए भी पैसे कमा सकते हैं. सैकेंड पैराग्राफ, हॉबीज़ आर वेरी यूजफुल. हॉबीज़ बहुत ही यूजफुल होंदिया हन. दे कीप अस बिजी, क्योंकि ये सानू बिजी रखदिया हन. दे सेव अस फ्रॉम फॉलिंग इन टू बैड कंपनी. इस तो इलावा अगर साडे कोल हॉबीज़ हन, साडियां कोई हॉबीज़ हन, तो असी उन्हां दे विच टाइम स्पेंड करदे हां, असी बैड कंपनी दे विच नहीं जांदे. दे गिव अस एंटरटेनमेंट. इस तो इलावा ये एक एंटरटेनमेंट का भी साधन हन. दे ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ आर डेली लाइफ. मोनोटोनी हुंदा वा बोरिंगनैस, कि सेम रूटीन एक बार चली जानी. हॉबीज़ के नाल आपां जिहड़ा दिन आ उहनूं इंट्रस्टिंग बना सकते हैं, जिहड़ी बोर्डम आ डेली रूटीन दी उहनूं खत्म कर सकते हैं. दे गिव अस नॉलेज ऑलसो. इस तो इलावा हॉबीज़ सानूं नॉलेज भी दिंदियां हन. थर्ड पैराग्राफ, डिफरेंट परसनस हैव डिफरेंट हॉबीज़. जिहड़े अलग अलग लोग आ उहनां दीआं अलग अलग हॉबीज़ हुंदियां हन. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन हॉबीज़ आर स्टैंप कलैक्टिंग. हुण कुछ हॉबीज़ दे बारे दसण जा रहे हां, किहड़ियां किहड़ियां ने. स्टैंप कलैक्टिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, कॉइन कलैक्टिंग, फिशिंग, रीडिंग, राइटिंग, निटिंग, स्टिचिंग एटसेट्रा. की कह रहे हैं, कहिंदे कुछ जिहड़ियां हॉबीज़ ने, कई लोगों को स्टैंप कलैक्ट करनी पसंद आ, कईयां नू फोटोग्राफी करनी पसंद आ, किसी नू पेंटिंग करनी पसंद आ, किसी नू सिक्के इकट्ठे करने, कॉइन कलैक्टिंग पसंद आ, किसी नू फिशिंग करनी पसंद आ फ्री टाइम दे विच, कोई रीड करता वा, कोई राइट करता वा, कोई निटिंग करता, कुछ बुनता रहिंदा वा, कोई स्टिचिंग करता वा. जिमें फीमेल्स ज़्यादातर की करदियां ने, नॉट ओनली फीमेल्स, ज़्यादातर स्टिचिंग करते हैं. ये कि ने कुछ हॉबीज़ के नेम ने. ओके, हॉबीज़ रिफ्लैक्ट द लाइफ एंड परसनैलिटी ऑफ अ परसन. इस तो इलावा जोड़ी हॉबी आ, वो तो आपको पता लगता वा भी जोड़ा परसन आिंदगी किदा की आसनैलिटी की है. ये एक रिफलैक्शन होंगी आ, की हों का परछाव आप कह सकते हैं, रिफलैक्शन हों. नैक्सट राजे, फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं आप. रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी. हूँ देखो, पहले दिन के आप हॉबी में डिस्क्राइब करता, फोर्थ पैराग्राफ में तुम आपकी हॉबी दसोंगे. रीडिंग बुक्स इज़ माई हॉबी. रीडिंग बुक्स की है माई हॉबी है. तुसी इत्थे जो भी तुहाडी हॉबी है वो लिख सकते हो. आई रीड ओनली गुड एंड यूजफुल बुक्स. मैं सिर्फ जिहड़ियां वधिया अते यूजफुल बुक्स पढ़दी हाँ. आई एम स्पैशली फोंड ऑफ रीडिंग द बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ ग्रेट मैन. इस तो इलावा मैनू ज़्यादातर पसंद है बायोग्राफीज़ जीवनियाँ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ हुंदियां ने राजे, स्वै जीवनियाँ पढ़नियाँ जिहड़े अज तक महान व्यक्ति होए आ उहनां दीआं. I get instruction as well as they entertain from the reading of books. मैं instruction भी ले लैंदी हाँ अते मेरी entertainment भी हो जाती है books की reading करके. I can enjoy the company of great writers by reading their work. मैं जिहड़े great writer, महान writer होया, लेखक होया, उन्हां दी company नू easily enjoy कर सकती हाँ उन्हां दीआं books नू पढ़ के. I get inspiration by reading about the lives of great leaders. इस तो इलावा जिहड़े great leaders होया हुण तक, मैं उन्हां दीआं बुक्स पढ़ के भी मैनू इंस्पीरेशन प्रेरणा मिलती है. दस इस तरह द रीडिंग ऑफ बुक्स हैल्प्स मी टू लर्न द गुड एंड नोबल थिंग्स ऑफ लाइफ. इस तरह किताबा पढ़ के मेरी ये चीज़ के मदद होंगी है कि मैं नवी चीज़ा सीखती हाँ, तो वधिया चीज़ा सीखती हाँ, नोबल मतलब न्यू थिंग्स. नैक्सट राजे, सिक्स्थ पैराग्राफ करते हैं आप हूँ, सॉरी फिफ्थ पैराग्राफ. गुड बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स. इस तो इलावा गुड बुक्स की होंगे ने, बेस्ट फ्रेंड्स भी होंगे ने. दे कंटेन द विजडम ऑफ एजस. उन्होंने अलग अलग पीढ़िया की की होंगी आ विजडम होंगी आ, बुद्धिमता होंगी आ. दे गिव अस एन एंडलैस स्टोर ऑफ नॉलेज.
बुक्स दे विच एक ना मुक्कण वाला स्टोर हुंदा वा, नॉलेज दा भंडार हुंदा वा, जिहड़ा कि आपां बुक्स तो ईजली प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन लर्न मच फ्रॉम दैम, असी बहुत ज़्यादा कुछ बुक्स दे विचों ही लर्न कर सकते हैं इफ वी वॉन्ट टू लर्न। दे प्रोवाइड अस फूड फॉर द माइंड, इस तो इलावा ये साडे दिमाग दे लई एक खाना, जिवें देखो अपना आपां खाना खाते हैं अपनी सेहत दे लई, उसे तरह जिहड़ा ब्रेन आ उहदे लई भी की है, कहिंदे बुक्स रीडिंग बुक्स की है एक तरीके का फूड, क्योंकि वधिया विचार अपने दिमाग च जाणगे तां वधिया काम आपां करांगे। A well-read person is held in high respect. ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੀ ਕੈਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅਦਰਸ ਬਾਏ ਹਿਸ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੈਟਰ ਚਾਂਸਿਸ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਹੋਬੀਜ਼, ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੂ, ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਬੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਬੋਰੋ ਬੁੱਕਸ ਫਰੋਮ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਐਟ ਐਨੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਲਟ ਏਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ। There are books to suit every age and every taste. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਗੁੱਡ ਕੰਪੇਨੀਅਨਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀਜ਼ ਆਲਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਹੋਬੀ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਬੀ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਆ। ਮਾਈ ਫੋਂਡਨੈਸ ਫੋਰ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਫੋਂਡਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਫੋਂਡ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਚਸੀਆ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੋਬੀ ਆ ਉਹ ਦੈਨ ਬਾਏ ਦੈਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਐਸੇ ਮਾਈ ਹੋਬੀ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਜਸਟ ਲਰਨ ਇਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਔਨ ਯੂਰ ਫੇਅਰ ਨੋਟ ਬੁੱਕਸ। ਇਫ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਔਰ ਐਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।